धार जिले के राजगढ़ में प्रेस क्लब के सहयोग से जिला आयुष विभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के शुभारंभ में जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र मुवेल नरेश वागुल द्वारा भगवान धन्वंतरी का पूजन कर माल्यार्पण किया। उसके बाद उद्बोधन हुए, संचालन अक्षय भंडारी द्वारा किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का करीब 500 लोगों ने लाभ उठाया। सेगांव नायब तहसीलदार ने समर्थन मूल्य खरीदी का किया आवश्यक निरीक्षण। नायब तहसीलदार जागृत जाट ने लिया चना खरीदी का जायजा। कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर मातेश्वरी विपणन संस्था द्वारा की जा रही खरीदी। नायब तहसीलदार ने देखा खरीदी का रिकॉर्ड, किसानों से पूछी समस्या। सागर में डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया, जहां इलाज बरती गई लापरवाही के कारण युवक की आंखों की रोशनी चली गई। मरीज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिम्मेदार डॉक्टर पर कार्यवाही की मांग करने के साथ हर्जाना दिलाने की बात कही। ग्वालियर जिले के भितरवार के वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाले नरेश प्रजापति ने 12वीं में 95.2 अंक प्राप्त कर नगर एवं ब्लॉक का नाम रोशन किया है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए होनहार छात्र ने हार नहीं मानी और अब वो आगे चलकर प्रशासनिक अधिकारी बनकर सेवा करना चाहता है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के सुखलिया रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक की ट्रेन के चपेट में आने से मौत। फिलहाल बाणगंगा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में जुटी।